सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापा स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ रेडमी का मोबाइल रेडमी 13C, जो हाल ही में न्यू लेटेस्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों। 5G फोन है, बजट फोन है, काफी कम बजट में कंपनी ने लॉन्च किया है, रेडमी कंपनी ने लॉन्च किया है 13C। आज इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और रिव्यू, कैमरा टेस्टिंग सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर आप रेडमी 13C लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए भी ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस बॉक्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मीडिया टेक 100 प्लस का आपको 5G चिपसेट प्रोसेसर मिलने वाला है। इसमें रेड कलर का बॉक्स मिल जाता है आपको। इसमें मेंशन किया गया है रेडमी 13C 5G, वो काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इस पर MRP भी वगैरह मेंशन की गई है 13,999 में दोस्तों। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। इसमें अपने पास वेरिएंट है ना, जो 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट है, 6GB आता है, 128GB आता है इसमें, और 8/128 आता है इसमें। इसमें कुछ हाईलाइट फीचर वगैरह मेंशन किए गए हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसके देख सकते हो आप, 50MP का यही कैमरा मिलने वाला है आपको, 90Hz की रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाली है, 5000mAh की बैटरी और 18W का चार्जिंग सपोर्टेड USB टाइप सी के साथ आपको मिलने वाला है। इसमें अप टू 1TB एक्सपेंडर रैम आपको इसमें कर सकते हो दोस्तों। और चलते हैं पर ब्रांड से इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और चलते हैं फिर ब्रांड से के इसको अनबॉक्स करते हैं। ओपन करते ही बॉक्स को आपको मिल जाती है रखी हुई डिवाइस। फ्लैट डिवाइस के बारे में बाद में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, एसेसरीज मिलने वाली, जिसके बारे में बात कर ले रहे हैं। जिसके देख सकते हो आपको व्हाइट कलर का आपको मिनी बॉक्स मिल जाता है, बाहरी रखा हुआ इसमें, जिसमें आपको सिम इजेक्टर टूल लगी हुई मिल जाती है, एंड का कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देखने मिल जाती है, और आपको मिल जाती है Type-to-Type-C डाटा केबल, जिसके आप देख सकते हो इसमें। एन गैस आपको मिल जाता है एक एडेप्टर जो 10W का चल रहा है। इसमें 18W तक का सपोर्ट दिया कंपनी ने, 18W तक कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं फिर ब्रैक्स इधर के डिवाइस के बारे में बात करते हैं। डिवाइस को अपन प्रोटेक्शन से बाहर निकालते हैं। डिवाइस देख सकते हो आप, स्टार लाइट कलर ब्लैक कलर दिया गया है, जो काफ़ी शानदार लुक के साथ आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी रिफ्लेक्स देखने को मिलती है आपको। जिसकी देख सकते हो आप, एकदम शानदार लुक के साथ आपको डिवाइस देखने को मिल जाती है। इसमें रेडमी इसमें मेंशन किया है, रेडमी 5G इसमें यही कैम मेंशन किया गया, इसमें 50MP का इसमें मेंशन किया गया। इसमें डुअल सेटअप साथ आपको कैमरा मिल जाता है विद LED फ्लैश, एंड का इसका प्लास्टिक फाइबर बॉडीज की दी गई है। इसका बिल्ड क्वालिटी है जो प्लास्टिक दिया गया है, स्क्वायर टाइप में लुक देखने को मिल जाता है आपको। अगर इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम आपको मिल जाता है Type-C पोर्ट, एंड आपको लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर एंड माइक्रोफोन। अगर साइड की बात करें तो साइड में आपको माउंटेड साइड फिंगरप्रिंट एंड रॉकर वॉल्यूम बटन, एंड गाइस आपको ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको मिल जाता है 3.5mm का ईयरफोन जैक, और कुछ नहीं दिया गया इसमें, 3.5mm का ईयरफोन जैक देखने को मिल जाता है आपको। इधर साइड की बात करें, साइड में इधर आपको मिल जाता है सिम ट्रे देखने को मिल जाती है आपको। इसमें आप डुअल नैनो सिम डाल सकते हो, एंड आप सिम चिप भी डाल सकते हो इसमें, 1TB तक इसमें एक्सपेंडर रैम कर सकते हो आराम से। मोबाइल करते हैं चालू, चालू करते हैं आप देख सकते हो आप, आपको मिल जाती है 12-drop-notch डिस्प्ले, एंड गाइस आपको 6.74 इंच की डिस्प्ले दी गई है, फुल HD प्लस IPS स्क्रीन दी गई है इसकी। अगर इसकी बैटरी पर कोई बात करते हैं, बैटरी का आप एक दिन आराम से चला सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसकी 5 mAh की बैटरी आपको लिथियम पॉलीमर की आपको देखने मिल जाती है। पर इसमें थोड़ा चार्जिंग प्रॉब्लम है, मतलब चार्जिंग कम वाट का दिया गया है, अगर थोड़ा 30W का कर दे तो काफ़ी फास्ट होता, लेकिन काफ़ी कम बजट फोन है। इसकी प्राइस की मतलब प्राइस इसकी ओनली आपको मिलने वाली है 11,000 रुपये का है, 4GB रैम 128GB रोम। अगर आपको कोई कार्ड वगैरह है डिस्काउंट के साथ आप पा सकते हो इसका, मतलब 10,000 के समथिंग आपको पड़ जाएगा दोस्तों। और इसकी कैमरा टेस्टिंग मैं आपको कराता हूँ लाइव, जिसकी देख सकते हो आप, इसका 50MP का रियर मेन कैमरा दिया गया इसका, प्लस 0.08MP का आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है इसका, और 10x जूमिंग दी गई है, जिसकी देख सकते हो आप। कैमरा क्वालिटी तो ठीक है दोस्तों, 50MP का है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी बेटर है दोस्तों। आपको कैसा क्या लगा कैमरा क्वालिटी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें और भी फीचर्स दिए गए, जिसकी देख सकते हो आप, इसमें पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, 50MP का इसमें मेन कैमरा इसका, एंड और भी फीचर्स दिए गए इसके, जिसकी देख सकते हो आप। इसमें आपको टाइम लैप्स भी देखने को मिल जाता है इसका, और फ्रंट कैमरा इसका है 8MP का है, जिसकी देख सकते हो आप, फ्रंट कैमरा काफ़ी बेटर है, मैंने फोटो खींचा है 8MP के हिसाब से, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कैमरा क्वालिटी, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बजट फोन है, 5G बजट फोन है, काफ़ी कम रेट में कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसकी ब्राइटनेस सहना इसकी 450 nits है इसकी, आउटडोर इंडोर में चलाने में प्रॉब्लम आई थोड़ा आउटडोर में, इंडोर तो आप चला सकते हो नॉर्मली। इसकी कलर भी काफ़ी शानदार है दोस्तों, इसमें 3 कलर दिए गए कंपनी ने, इसमें एक कलर और आता है, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आपने नहीं देखा है वो वाला आप आराम से देख सकते हो, ग्रीन कलर आता है, और एंड एक आता है सिल्वर कलर का दोस्तों। इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 100+ प्रोसेसर दिया गया है, और काफ़ी कम बजट फोन है, जैसे कि देख सकते हो आप। इसमें स्टोरेज भी आपको 128GB मिल जाता है,
और 4+4 रैम है इसमें, मतलब 4 GB रैम वाला वेरियंट है ना, 4 और बढ़ जाएगी वर्चुअल रैम दी गई है, मतलब 8 GB रैम 128 GB रोम वाला वेरियंट बन जाएगा, मतलब जितनी भी रैम है ना मैन उसकी डबल रैम हो जाती है इसमें तीनों वेरियंट में, यानी 6 GB रैम वाला है वो 12 GB वाला हो जाएगा, 8 GB वाला है वो 16 GB रैम वाला वेरियंट बन जाएगा दोस्तों। अगर आप गेमिंग वगैरह करना है तो गेमिंग के लिए नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, मतलब ज़्यादा हाईफाई गेम नहीं चला सकते आप पे। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी ठीक है दोस्तों, मतलब क्वालिटी तो ठीक लगी मुझे बजट के हिसाब से, क्योंकि 5G सेट है काफ़ी कम बजट में। अगर आप पास कोई कार्ड वगैरह है तो आप डिस्काउंट भी पा सकते हो, 1000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, यानी 10000 रुपये में आपको 4+4 8 GB रैम 128 GB रोम वाला ब्रांड मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा डेली डेली। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो साथ, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों।